Hello students how are you all i hope all of you are doing good student today we will start a new lesson from your EVS book lesson number 5 air in previous class we have discussed about water living things and non living things today we will start a new lesson which is air all of us know that air is very important for us हम सबको पता है कि जो एयर है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाई बिकॉज़ वी ऑल आर लिविंग थिंग एंड फॉर आर सर्वाइवल वी नीड एयर वाटर एंड फूड आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में जब मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है और लाइफ पॉसिबल कैसे हो सकती है बिकॉज लाइफ पॉसिबल होने के लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट वन इज़ एयर देन सेकेंड वन इज वाटर एंड थर्ड वन इज़ फूड इसीलिए जो एयर है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एयर इज ऑल अराउंड अस जो एयर है हमारे चारों तरफ है हमारे इन्वायरमेंट में हमारे सराउंडिंग में हर तरफ एयर है ऑल लिविंग थिंग्स के नॉट लिव विदाउट एयर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ह्यूमन प्लाट्स और एनिमल कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर एयर नहीं होगी प्लांट एनिमल्स एंड वी ऑल नीड एयर टू स्टे अलाइव हम सब को जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वी ऑल नीड एयर टू स्टे अलाइव जिंदा रहने के लिए क्यों क्योंकि हम जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना स्पेशली जो प्लांट्स uh, जो सॉरी जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं ये ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो जो एयर होती है ना उसमें बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा जो एयर है ना ये बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन किस काम आती है हमारे काम आती है ठीक है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के काम आती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ यूज बाय प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग दअ ओन फूड व्हिच इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ फूडो सिंथेसिस ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल एंड प्लांट यूज द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू ब्रीथ इन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं ठीक है दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड और जो हम ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको गिव आउट करते हैं मतलब उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं वेन प्लाट मेक दे फूड दे यूज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन ठीक है जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं ये ऑक्सीजन आउट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं लेकिन जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं ना ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं When plants make their food, they use the carbon dioxide in the air and give out oxygen. और जो plants होते हैं ना, वो मैंने आपको बताया था कि plants के लिए कोई खाना नहीं बनाता, plants prepare their own food, वो अपना खाना खुद बनाते हैं by the food, uh, process of photosynthesis using carbon dioxide. Carbon dioxide की help से क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं carbon dioxide, air and minerals from the soil. air also contain dust smoke वाटर वेपर एक्सेट्रा और जो एयर होती है ना उसमें सिर्फ गैसेस नहीं होते बट इट ऑल्सो कंटेन डस्ट डस्ट पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना धूल मिट्टी इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमको नॉर्मल आइज से नहीं दिखते हैं लेकिन वो एयर में प्रेजेंट होते हैं स्मोक स्मोक मतलब जो फैक्ट्री से एयर आ रही है या हमने कुछ बर्न किया है उसकी जो स्मोक है धुआँ है वो भी एयर में होती है और वाटर वेपर ये सारी चीज़ें एयर में मिक्सअप होती हैं if we watch a ray of sunlight coming in a, uh, coming in थ्रू अ विंडो वी कैन सी मैनी डस्ट पार्टिकल इन इट अब देखो आप ये चीज़ आपने अपने घर में देखी होगी कि जब आप विंडो से और डोर से धूप को अंदर आते हुए देखते हो तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं दिखेगा आपको लगेगा कि आपका घर तो बहुत क्लीन है लेकिन जब उस डोर से और विंडो से जो सनलाइट की रेज है अंदर आती हैं तब आप ये देखोगे नोटिस करोगे कि वो जो रेज़ आ रही है ना उसमें छोटे छोटे से आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना वो आपके हाथ में पकड़ में आएंगे और ना ही उनका कोई स्मेल होता है लेकिन वो होते हैं ठीक है चेयर है चेयर है, है ये सारी चीजें हैं तो जब आप इनको बहुत दिन तक क्लीन नहीं करोगे अच्छे से साफ सफाई नहीं करोगे तब भी आप देखोगे इन इनपे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं धूल मिट्टी डस्ट इकट्ठा हो जाती है क्यों आपके घर में तो कोई कूड़ा फेंकने आता नहीं है गार्बेज फेंकने ना कोई आपके घर में मिट्टी डालने आता है लेकिन क्योंकि एयर आपके घर में एंटर कर रही है और एयर के साथ ही वो डस्ट पार्टिकल आपके घर में भी एंटर कर रहे हैं दिस क्लियरली शोज दैट एयर कंटेन डस्ट इससे क्या पता चलता है कि जो एयर होती है उसमें डस्ट भी होता है वेन वी बर्न समथिंग द स्मोक मेक्स विथ एयर जब आप कोई चीज़ जलाते हो तो भी जो उसका धुआं होता है स्मोक होती है वो भी एयर के साथ मिक्स हो जाती है वी ड्राई आर वेट्स क्लोथ इन द सन और जो हम अपने गीले कपड़े होते हैं उसको भी आप ड्राई कहाँ पे करते हो सन में धूप की जो किरणें हैं वहाँ पे, ठीक है द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर इन द वेट क्लोथ्स इन टू वाटर वेपर अब आपने कपड़े धूप में डाले तो कपड़े सूख कैसे जाते हैं क्योंकि जो वाटर होता है कपड़ों में वो क्या होता है एवोपरेट हो जाता है एवोपरेट मतलब गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर भाप बन के वो उठ जाता है ठीक है इस तरीके से हमारे कपड़ों से क्या होता है मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और हमारे कपड़े ड्राई हो जाते हैं वाटर ऑल्सो एवोपरेट फ्रॉम द ओशन रिवर लेक्स एक्सेट्रा एंड मिक्स विथ द एयर और जो ये वाटर है सिर्फ हमारे कपड़ों से ही नहीं एवोपरेट होते बट जो रिवर या लेक्स होते हैं वहाँ से भी ये एवोपरेट होते हैं आपने देखा होगा कि समर का जब सीज़न होता है ठीक है तो आप देखते हो कि रिवर्स और जो छोटे छोटे पॉइंट्स वगैरह होते हैं इनका पानी सूखना शुरू हो जाता है तो सूखता कैसे है क्योंकि जो समर का सीज़न होता है ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है धूप बहुत तेज होती है जिसके वजह से वाटर वेपर का जो प्रोसेस है वो होना शुरू हो जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर भाप बन के एयर में मिक्स हो जाता है सो वी कैन से एयर कंटेन गैसेस डस्ट स्मोक एंड वाटर वेपर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एयर है इसमें बहुत सारे गैसेज हैं डस्ट भी है स्मोक भी है और वाटर वेपर भी है ओके स्टूडेंट टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट एयर इनकेस यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टॉपिक विच वी हैव स्टडीड टूडे यू कैन आस्क योर डाउट